Hello everyone, this is Radhika. I welcome you all to Chapter Hunt. In today's session, we will study Class 7 NCERT Science Chapter 12 Reproduction in Plants. This is part 2 video of this chapter. In part 1, we studied what is reproduction, its importance, asexual reproduction, and then the vegetative propagation and its types. So please check out part 1 video and then watch this. To get complete understanding of the chapter so keep exploring learn and score good marks now let's get started now this question says explain sexual reproduction in plants now the plants that have flowers are called flowering plants मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड इनवॉलिंग द फ्यूजन फ्यूजन मतलब मिक्स होना ऑफ द सेक्स सेल कॉल्ड गैमीट्स मतलब गैमीट्स को सेक्स सेल्स भी बोला जाता है फ्लॉर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्लार सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट फ्लार क्या है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट द फंक्शन ऑफ अ फ्लार is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take place to make seeds for growing new plants. Now, the sexual reproduction in plants involves the fusion of male and female gametes of the plant, which leads to the formation of the seeds of the plant. And these seeds can then be used to grow new plants. A sexual reproduction वो टाइप है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट अब इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है फ्लावर एंड फ्लावर यू हैव टू रिमेंबर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब इन पार्ट्स में खास तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं गैमीट्स ठीक है गैमीट्स मतलब सेक्स सेल ये गैमिट्स जब मेल पार्ट में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं मेल गैमिट एंड जब फीमेल पार्ट में होता है उसे कहते हैं फीमेल गैमिट अब इन गैमिट्स में स्पेशल सेल्स होते हैं अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है मिक्स फ्यूजन मतलब मिक्स होना जब मेल और फीमेल गैमिट्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद आप समझोगे धीरे धीरे कैसे फर्टिलाइजेशन होती है बट नाउ फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन होती है और उसे सीड्स बनते हैं और फिर यही सीड्स आपको हेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो करने में सो दिस इज वॉट वी मीन बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट Parts of a flower. Now, the main parts of a flower are sepals. The green leaf like parts in the outermost circle of a flower are called sepals. The function of sepals is to protect the flower in its initial stages when it is in the form of a flower bud. लेट एस लीट पेटल्स एंड हम इन दोनों को समझेंगे पेटल्स द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लारेटल द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ द flower फ्लार हम सबने dekha hai अब फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपने पता करना है कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अब आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि फ्लावर को जब आप देख रहे हो बाहर से कितना सुंदर लग रहा है उसके पार्ट्स क्या है उसको बोलते क्या है तो पहला आपने पढ़ा सेपल्स सेपल्स क्या होते हैं एक्चुअली सेपल्स आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे एक्चुअली एनक्लोज द पेटल्स छोटे छोटे पत्तों की तरह से होते हैं और सेपल्स का जो मेन काम होता है ये फ्लावर को सेफ रखते हैं ठीक है और पेटल्स अगर आप समझो तो पेटल्स क्या है पेटल्स आर एक्चुअली द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर ठीक है इट इज आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर और पेटल का मेन फंक्शन क्या होता है पेटल का मेन फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. तभी इसमें है ना दे आर यूजली सेंटेड क्योंकि पेटल्स का मेन फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स और इन्हीं पेटल्स के ही नीचे आप देखते हो कि एक कभी कभी आप देखते हो किसी पेटल कोई फ्लावर का जो पेटल है उसके नीचे एक लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सेपल्स ठीक है और पेटल्स एंड सेपल्स दीज बोथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स द थर्ड पार्ट इज द स्टेमिन now it is the male reproductive organ of the plant these are the little stalks with swollen top and lies inside the ring of petals the stamen is made of two parts stamen kya hai stamen hai male reproductive part of the प्लांट प्लांट का ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप एम सी क्यू में फिल इन प्लांट में किसी में भी आ सकता है यू हैव टू रिमेंबर इसका कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं स्टेमिन दीज आर द लिटिल स्टॉक्स विथ स्वॉलन टॉप एंड लाइज इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स पेटल्स के अंदर कभी कभी आपने एक फ्लावर देखा होगा कभी पेटल के अंदर से एक लंबी सी स्टिक जैसी एक चीज निकलती है और उसके ऊपर का पार्ट थोड़ा सा स्वोलन थोड़ा सा फूला हुआ सा देखेगा थोड़ा सा इस ये जो है इस इसको बोलते हैं स्टेमन और ये जो स्टेमन है इसके दो पार्ट्स हैं इसके नाम याद करने आपको स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट एंड एंड आन द स्टॉक ऑफ द स्टेमेंट इज कॉल द फिल्मेंट एंड दॉप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड द एंथ तो जो नीचे का पार्ट मैंने बोला आपको जो नीचे का पार्ट है जो की एक लंबा सा स्टॉक जैसा दिखेगा आपको पतला सा वो बोलते हैं उसको हम फिलमेंट ठीक है एंड उसके ऊपर उसके ऊपर होता है एंथ नंथ मेक्स दोलन ग्रीन एंड स्टोर एंड ripens. Ripens मतलब वो फट जाता है स्प्लिट्स पोलन ग्रेन्स अपियर टू बी येलो पाउडर लाइक सबस्टैंड विच इज स्टिकी इन नेचर कई बार आपने देखा होगा कि किसी फ्लार को आप टच करते हो तो पोलन ग्रेन्स आपके हाथ में इधर उधर चिपक जाते हैं पीला पीला सा देखते हो कभी किसी फ्लावर में से निकलता है और वो आपके हाथों में भी चिपक जाता है पोलन ग्रेन्स कंटेन प्लांट फ्लॉर्स यूजली है तो अभी क्या समझा आपने कि एंथर में ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है और फ्लावर का ये जो एंथर होता है इस फ्लावर के एंथर के थ्रू पोलस को बाहर निकलना होता है पोलस इससे बाहर निकलते हैं इसका मेन फंक्शन यही है एंड देन दीज पोलग्रींस कंटेन द मेल गैमेज ऑफ द प्लांट और फ्लावर्स में यूजली बहुत सारे स्टेमेंट्स हो सकते हैं नेक्स्ट इज द पिस्टल इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर दीज आर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स ठीक है पिस्टिल स्टेमेन क्या था स्टेमेन था आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसी तरह से फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और इसका एक और नाम है कार्पिल पिस्टिल और कार्पिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इनकी शेप एक फ्लास्क जैसी होती है जिस गो थ्रूर एनसीआर डायग्राम आर देयर दैट विल गिव यू द क्लियर एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको भी समझा रही हूँ अ पिस्टल इज मेड ऑफ थ्री पार्ट स्टेम के कितने पार्ट थे टू पार्ट फिलेमेंट एंड एंथर पिस्टल के कितने पार्ट है थ्री पार्ट stigma style and ovary the top part of the pistil is called the stigma it receives the pollen grains from the anther during pollination theek hai sabse upar wala part pistil ka kya hota hai usko bolte ho stigma aur stigma receive करता है pollen grains कहाँ से anther से जब pollination होता है तो anther से जो pollen grains होते हैं जो भी हमने yellow देखा powder like substances ये आते हैं stigma के ऊपर द मिडिल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टाइल नाउ स्टाइल इज अ ट्यूब विच कनेक्ट स्टिगमा टू द ओवरी द ओवरी मेक्स ओव्यूज एंड स्टोर दम मिडिल पार्ट पिस्टल का क्या हुआ स्टाइल ठीक है आपने समझा स्टिग्मा क्या है स्टिग्मा पोल को अपने पास लेकर आता है ठीक है ये टॉप मोस्ट पार्ट होता है इसलिए ये स्टिकी भी होता है स्टिग्मा जो होता है ना ये स्टिकी भी होता है और हेरी भी होता है इसके नीचे अभी हमने क्या पढ़ा इसके नीचे क्या होता है पार्ट बिलो द स्टिग्मा इज स्टाइल जो कि एक ट्यूब की तरह होता है एंड ओवरी को जो जाके जोड़ता है यह स्टाइल होता है ठीक है ना द स्वलन बॉटम पार्ट एट द बेस ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द ओवरी द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव ईच ओव्यूल कंटेन ओनली वन फीमेल गैमिट ऑफ द प्लांट द फीमेल गैमिट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट इन साइड दूल इज कॉल्ड एग पिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पल, द पिस्टल इज सराउंडेड बाय सेवरल स्टेम ठीक है अब ओवरी क्या है ओवरी सबसे अंदर का द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल ऐसे ही पूछ सकते हैं आपको कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल वॉट इज इट इट इज ओवरी अब इस ओवरी के अंदर जो स्मॉल बीड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स और इस ओव्यूल्स के अंदर वी फाइन द एग सेल्स और एक पिस्टिल इस के आसपास बहुत सारे स्टेमेंट हो सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द द फ्लावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द्वेशिएट बिटवीन यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अब फ्लावर्स के में कौन कौन से पार्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं फ्लावर्स को दो टाइप में ठीक है मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हमने किस बेसिस पे डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ कि एक फ्लावर में कौन कौन से पार्ट है उस हिसाब से इसको हमने डिवाइड किया अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनि आपको मतलब समझ में आता है एक बाय टू इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इध मेल और फीमेल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जिस फ्लावर में एक ही सेक्स सेल्स होंगे मेल या फीमेल ठीक है पिस्टल या स्टेमिन तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक् फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लॉर्स कंटेन इ मेल ऑर्गन दैट इज द स्टेमिन ऑर्गन दैट इज द पिस्टल नाउ बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट्स ठीक है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अब इस पर क्योंकि एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो इसको हम लोग इनकंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं अब दी प्लांट्स जिस जिसको जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जिनके वो कौन क्या एग्जाम्पल आपको याद रखने पपाया वाटरमेलन कॉर्न क्यूकम्बा ठीक है मेज कौन क्या हुआ मेज ठीक है ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको एमसीिक्यूज में भी आते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से हैं सो जस्ट रिमेंबर दिस दिस इज ऑल अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर

कंप्लीट फ्लावर इसमें दोनों पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है so, इसलिए हम इसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं bisexual flowers, किस किस प्लांट्स के एग्जाम्पल उसका नाम दे सकते हो रोज मस्टर्ड हिबिस्कस ऑल हैव बायसेक्सुअल फ्लावर्स ओके द द या नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग इनवॉल्व

पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अभी हमने कहा था ना कि स्टिग्मा का क्या फंक्शन है कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आते हैं और इसी मेथड को हम पोलिनेशन बोलते हैं पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड मेनली बाय पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे कैसे आ सकते हैं कैसे आएंगे कभी हवा चली कभी पानी से कभी कोई इंसेक्ट लेकर आ गया तो इनको हम क्या बोलते हैं इनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड मेनली बाय विंड

अब मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के मिलने से बनता है एक नया सेल और इस नया सेल जो बनता है इसको हम बोलते हैं जाइगोड और इस मिलने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मतलब जब स्पर्म एंड एग मिले तो जाइगोड बना और जाइगोड इज एक्चुअली द फर्स्ट सेल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है? और ये साइको डेवलप होता है एम्ब्रियो में ओके, नाउ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अब पॉलिनेशन भी दो तरह से होती है पॉलिनेशन में टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर or between different flowers it may be of two types self pollination and cross pollination self pollination in self pollination pollen grains fall on the stigma of the same flower self pollination generally occurs in a bisexual flower self pollination is seen in soya beans and peaches now if the pollen स्टिगमा ऑफ द सेम फ्लार एक ही फ्लॉर के अंदर हो रहा है अपने आप एक ही फ्लार खुद का ही अंदर पॉलिंग जगह से दूसरी जगह पर आ गया गिर गया तो इस तरह की जो पॉलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और ये तभी होगी जब उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे दैट मीन बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन वेन पोलन ग्रेन ऑफ अ प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लॉर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लॉर ऑन द सेम प्लांट अब आपको फर्क समझ में आ रहा है सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉर वो एक फ्लावर था जो उसी के ऊपर ही वो ग्रेन गिरा तब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ कि मैं ग्रेन ऑफ अ प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट एक ही प्लांट के दो तीन फ्लावर्स खिले हुए तो एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है सेम प्लांट के या एक प्लांट का फ्लावर जो है वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे भी चला जा सकता है इस तरह से ये दो तरह की क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है एनिमल बर्ड्स एप्पल प्योर एंड प्लांट आपल, शो क्रॉस पॉलिनेशन अब देखो इसमें एक फ्लार के एंथर से दूसरे फ्लार के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रीन जब गया तो उसको बोला हमने क्रॉस पॉलिनेशन एग्जाम्पल देखो कि एक प्लांट के दो तीन फ्लावर्स हो सकता है कि एक फ्लावर के एंथर से उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाए यह हुआ क्रॉस पॉलिनेशन अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग प्लांट हैं और एक फ्लावर के एंथर से उड़कर पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया तो ये भी एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है ठीक है ओके द नेक्स्ट इज हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर अभी आपने उसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की डेफिनेशन करी थी नाउ अंडरस्टैंड कि ये फर्टिलाइजेशन होती कैसे है वेन द पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा इट बिगेन्स टू जर्मिनेट आफ्टर सम टाइम A long pollen tube is developed that passes through the style and enters the ovary of a pistil. As the pollen tube enters an ovule, it reaches the male gametes. A male gamete fuses with the female gamete in the ovule by the process known as fertilization. The cell formed after the fusion of a female and a male gamete is called zygote. This zygote splits numerous times. The fertilized ovules develop into seeds and the ovary ripens to form a fruit. The seed contains an embryo which develops into a new plant. The pistil and rest of the parts of the flower fall off. In this way, the process of fertilization takes place. The fertilization ke liye हमने क्या समझा था कि हमें क्या चाहिए वी नीड कैम कैमिट्स क्या होते हैं सेक्सेल्स सेक्सेल्स कितने तरह के होते हैं मेल एंड फीमेल अब मेल कौन से पार्ट से आता है पोलन ग्रेन से फीमेल की बात करें तो वो कहां से आता है ओवरी ओवरी कहां से हुआ उसमें क्या हुआ ओव्यूल्स हुए अब पोलन ग्रेन और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उनका क्या हुआ फ्यूजन जब इनका फ्यूजन हुआ तो हमने क्या पढ़ा था क्या बना जाइगोट एंड इस प्रोसेस को आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन ठीक है पोलन ग्रेन जब पॉलिनेशन के थ्रू स्टिकमा पर लैंड करता है तो एक ट्यूब एक ट्यूब जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाती है ठीक है एंड इट इज कैरिंग मेल गैमिर सो so, इस तरह मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है एंड फिर वहां पे फ्यूजन करता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ठीक है समझे अब ये जब दोनों मिक्स हो गए ये बन गया जाइगोट और जाइगोट देन फॉर्म्स एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फाइनली क्या बना देगा सीड्स इस सीड्स को हम न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे तो ये सारा प्रोसेस हो गया व्हाट इज फर्टिलाइजेशन हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड अभी तो सिंपल है एव आई जस्ट हैव गिवन यू सो दैट यू नो हाउ टू आंसर दिस आप सब पढ़ चुके हो

some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple and oranges and some fruits are hard like almonds and walnuts. okay, now coming to the next question which says what is seed dispersal? seed dispersal, kya hota hai? now seeds are developed from the ovule. seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat.

अब होगा क्या इफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स फॉल ऑन द सेम प्लेस दे विल नॉट गेट इनफ स्पेस फॉर वाटर एंड लाइट एंड विल नॉट डेवलप इन टू अ हेल्दी प्लांट तो अंडरस्टूड है कि जब एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स गिर जाएंगे तो हर एक को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा किसी को ज्यादा पानी मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है लाइट प्रॉपर नहीं मिल रही और जब सारी नेसेसिटी की चीजें नहीं होंगी तो वो हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं करेगा द प्रोसेस बाय द सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल अब जब एक प्लांट के सीड्स दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं इसी को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स अवे थ्रू वेरियस एजेंसीज लाइक विंड वाटर बर्ड्स एंड सम एनिमल्स कैसे डिस्पर्सल करते हैं विंड वाटर बर्ड्स एनिमल्स ये सारे एजेंट्स हैं जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना गार्डन में कभी आप जा रहे हो एक कॉर्नर पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है एंड देन आफ्टर लाइक यू से आफ्टर सिक्स मंथ्स और ईयर आप देखोगे कि वही प्लांट गार्डन के एक दूसरी जगह से भी दिखा आपको कि ये वहां पे भी ग्रो कर गया कैसे हुआ दिस इज बिकॉज ऑफ द सीड डिस्पर्सल वट आर सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल इज बेनिफिशियल टू द्लांट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस होंगे सीड डिस्पर्सल प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट इन एन एरिया वही हमने पढ़ा कि एक ही जगह बहुत सारी सीट इकट्ठे ना हो जाए ओवर क्राउडिंग ना हो डिस्पर्सल प्रिवेंट्स द कॉम्पिटिशन फॉर वाटर मिनरल्स एंड सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट कहीं पे भी ज्यादा भीड़ होगी तो हम क्या करते हैं कॉम्पिटिशन करते हैं ना हमें ज्यादा सनलाइट चाहिए या मुझे ज्यादा वाटर चाहिए तो अगर सीड डिस्पर्सल हो रहा है तो ये चीजें भी नहीं होंगी

सीड dispersal इज एडेड बाय विंड water एंड एनिमल्स एडेड मतलब क्या क्या उसको सीड डिस्पर्सल क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं विंड हेल्प करती है, करती है water and animals. Seeds are also dispersed एंड एनिमल्स सीड्स आर ऑल्सो jerk. कई बार किसी किसी का फ्रूट का जो होता है ना तो सीड वो बर्स्ट कर जाता है फट जाता है एकदम अचानक झटके से तो उसके भी सीड्स यहां वहां डिस्पर्स हो जाते हैं पहला पढ़ते हैं डिस्पर्सल बाय विंड सीधी सी बात है हवा से जब यहां से वहां चला जाएगा तो वो जर्मिनेट होगा आर वेरी लाइट एंड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन आर इजीली कैरिड अवे बाय द सीड्स बहुत हल्के होते हैं जिनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हवा अपने साथ उड़ा के ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स सारे इसमें याद करने बिकॉज ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसके सीड्स विंड से डिस्पर्स होते हैं किस प्लांट के सीड्स वाटर से किस के एनिमल से सो so ये आपको इसमें नेम्स और एग्जाम्पल्स यू हैव टू थरली रिमेम्बर देम सीड्स ऑफ मेपल ड्रम स्टिक सीड्स ऑफ मिडर हैव हेयर ऑन देम

फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है ठीक है सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट और प्लांट नियर वाटर बॉडीज यूजली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन दफॉन्जी और फाइबरस आउटर कोर इसके क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सीड्स ऑफ वाटर लिली लोटस चेस्टनट एंड कोकोनट आर डिस्पर्स थ्रू वॉटर नॉट डिस्पर्सल बाय एनिमल्स सम सीड्स है स्पाइन on their surface, which get attached to the fur or body of the grazing animals. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने कभी देखा किसी एनिमल्स के क्या होते हैं हुक्स या स्पाइंस होते हैं अब इस एनिमल इन एनिमल बॉडी के साथ ये जहाँ जहां ये घूम रहे हैं अब इनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं इसे और ये जहां जहां पे भी ये एनिमल जाएगा ये वहां पर ये सीड्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ठीक है दी सीड्स में भी कैरेट सेवल किलोमीटर मूविंग एनिमल अब वो एनिमल अगर दूर दूर तक जा रहा है सेवरल किलोमीटर तक चला गया कहीं दूर किलोमीटर तक चला गया तो वहां तक वो सीड लेके जा रहा है बिकॉज दे आर रब्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी एंड फॉल टू द ग्राउंड अब थोड़ी देर बाद जहां पे ये पहुंचे वहां से वो इनकी बॉडी से झड़ जाएंगे गिर जाएंगे और वहां पे वो वाला प्लांट ग्रो करेगा एग्जाम्पल क्या है इसके फ्रूट ऑफ जैंथियम एंड जोरेना खकल आर कवर्ड विद हुक्स विच अटैच टू एनिमल्स दिनिमल्स वर डिस्पर्स विद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सप्लोजन या फ्रूट बर्स्ट कर गया समाइम्स फ्रूट्स मेच्योर एंड अ स्ट्रीन इज प्रोड्यूस्ड इन देर वॉल्स कभी कभी फ्रूट्स क्या हुआ जब फ्रूट्स मेच्योर हो गया पक गया एंड अ स्ट्रीन इज प्रोड्यूस्ड इन देर वॉल्स तो जिस भी बाउंड्री में जिस भी किसी जिस किसी के भी अंदर वो फ्रूट ग्रो कर रहा है उसकी वॉल के अंदर क्रैक आ जाएगा दिस प्रोड्यूस अ सडन जर्किंग फ्रूट टू ब्रेक ओपन अब अचानक से एक झटके से जर्क मतलब अचानक झटके से ये फ्रूट ओपन हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा जब फ्रूट ओपन हो गया दस द सीज स्कैटर फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट विद अ ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन तो जब फ्रूट जब बक पक गया मैच्योर हो गया उसकी जो वॉल्स थी उसमें क्रैक आ गया क्रैक आने के बाद अचानक से एक बिल्कुल प्रेशर से ये ओपन हो जाएगा और इसकी जो सीड्स हैं स्कैटर फार अवे इधर उधर दूर जगहों पे गिर जाएंगे पेरेंट प्लांट से दूर हो जाएंगे और जिधर जिधर ये गिरेंगे वहाँ वहाँ पर ये नया प्लांट जो है ग्रो करेगा एग्जाम्पल राइप फ्रूट्स ऑफ कैस्टर प्लांट बैल्सम प्लांट पल्स एंड पॉट्स आर डिस्पर्स टू द एक्सप्लोजन नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय बर्ड्स अब बर्ड्स कैसे हेल्प करती है डिस्पर्सल में द बर्ड्स ईट फ्रूट्स एलोंग विद द सीड्स बर्ड्स क्या होता है कई बार फ्रूट सीड के साथ ही खा जाती है दी सीड्स हैव हार्ड आउटर कवरिंग द सीड्स आर डिस्पर्स टू सम अदर प्लेसेस थ्रू द बर्थस फीसेज बर्ड्स फीसेस समझ गए ना बर्ड्स ड्रॉपिंग द इन्जाइन प्रेजेंट इन द डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड्स हेल्प इन डिजोल्विंग द हार्ट सीट कोट एंड वेन दे आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेज दे जर्मिनेट अब बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि जो सीड की हार्ड कवरिंग होती है हार्ट सीट कोट सीड की जो कवरिंग वो डिजोल्व हो जाती है अब जब बर्ड एक्सक्रीट करेगी तो उनकी ड्रॉपिंग्स के साथ ही ये भी बाहर आ जाता है एंड वहीं पर जिधर जिधर ये होगा वहाँ वहाँ पर यह जोमिनेट करेंगे ठीक है सो so, एग्ज़ाम्पल क्या हुआ इसका नीम सीड्स आर डिस्पर्स बाय बर्ड्स फीसेस नीम के जो सीड्स हैं बर्ड्स फीसेस के साथ डिस्पर्स होती है बर्ड्स डिस्पर्सल में एक और मेथड से हेल्प कर सकते हैं बर्ड्स कई बार अपने बीक में या अपने क्लॉज में उसको फ्रूट को कैप्चर कर सकते हैं एंड जिधर जिधर ये बर्ड फ्लाई करेगी कहीं पर हो सकता है कि ये जो पूरा पूरा का पूरा फ्रूट ही बर्ड की बीक से गिर जाए उसकी क्लॉ से गिर जाए या उसका सीड कोई गिर जाए तो इस तरह से या तो अपनी बीक से या तो क्लॉ से या बर्ड की जो फीसेस है अपनी ड्रॉपिंग से दिए हेल्प इन द दिस वी कवर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी साइंस क्लास सेवन आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल If so, make sure to hit the like button. Please subscribe to Chapter Hunt and click the notification bell to stay updated. I'll see you soon on another video. Till then, take care. Bye bye.